नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आर बिशप ने राज्यपाल से धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को खारिज करने का किया आग्रह। धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश से धार्मिक अधिकारों में कटौती नहीं होगी। ज्ञानेंद्र नारायण स्वामी का बयान न केवल उस समय आया है जब राजनीतिक दल 2023 के चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं, बल्कि राज्य मंत्रिमंडल में एक बड़े सुधार की बड़बड़ाहट के बीच भी आया है। कर्नाटक ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों इंफ्रा में राजस्व मॉडल पेश किया। बिजली आपूर्ति के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूरी नहीं। हमें राष्ट्रगान पर गर्व है, जमीर अहमद खान। हेडगेवार का भाषण, पाठ्य पुस्तक से नहीं हटाएंगे, बीसी नागेश। रघुनाथ राव मलकापुरे को कर्नाटका विधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि श्रीरंगपट्टना में जामिया मस्जिद में पूजा करने पर लोगों के एक वर्ग द्वारा उठाए गए मुद्दे को कानून के अनुसार हल किया जाएगा। शिवलिंग के चारों तरफ से मलबा हटे और मस्जिद का बंद दरवाजा खुले, हिंदू पक्ष की मांग। नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर्स अब 28 अगस्त तक गिराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दी मोहलत। वाराणसी हिंदू पक्ष की कोर्ट से मांग, शिवलिंग तक पहुंचने के लिए पूरब का दरवाजा खोलने की मिले इजाजत। गुजरात एटीएस ने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अहमदाबाद से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। खादर ने कुड़गू स्कूल में हथियारों के प्रशिक्षण की जांच की मांग की। हरिद्वार हेट स्पीच मामला, वमेश रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी को मिली 3 महीने की जमानत। जम्मू कश्मीर बड़गाम पहुंचे आईजीपी विजय कुमार, कश्मीरी पंडितों को दिया सुरक्षा का भरोसा। हिंदुओं को कुतुब मीनार ताजमहल सौंपे भारत सरकार, कांग्रेस नेता की डिमांड। मुंबई के आर्थर रोड जेल में अप्राकृतिक सेक्स, पीड़ित कैदी ने दर्ज करवाई FIR, जांच शुरू। मुंबई में 3 दिन बाद प्री मॉनसून, मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान, इस बार समय से पहले आएगी बरखा रानी। धीरे धीरे वजन बढ़ा, फिर स्ट्रेस, देखते ही देखते महाराष्ट्र के 6 लाख लोग हाइपरटेंशन के शिकार। होठों को चूमना, प्यार से छूना अप्राकृतिक अपराध नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। मुंबई को महाराष्ट्र से नहीं, आपके भ्रष्टाचार से अलग करूंगा, उद्धव ठाकरे पर फडणवीस का हमला। सांसद इम्तियाज जलील को मिल रही धमकी, लगाया गृह विभाग पर अनदेखी का आरोप। INS सूरत और उदयगिरी का एक बार और दुश्मनों का खेल खत्म, इंडियन नेवी में शामिल 2 नए किलर युद्धपोत, समंदर का सिकंदर बना भारत। LIC शेयर लिस्टिंग, LIC के इन्वेस्टर्स पहले ही दिन नुकसान में, 8.62% की गिरावट के साथ हुई शेयरों की लिस्टिंग। ट्विटर विवाद बढ़ा, बॉट्स पर बोले एलन मस्क, जब तक अपराध साबित नहीं करेंगे डील नहीं होगी। PM मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च, बोले उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में होगा मददगार, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। रवीना टंडन का किलर और बिंदास लुक देख फैंस बोले एवरलास्टिंग ब्यूटी। वीरेंद्र सहवाग के बयान से शोएब अख्तर को लग सकती है आग, बॉलिंग एक्शन को लेकर किया कमेंट। भू माफिया और आदतन अपराधी है आजम खान, सुप्रीम कोर्ट में बेल के विरोध में बोली योगी सरकार। क्या बिग बॉस के नए सीजन में नए बॉयफ्रेंड के साथ नजर आएंगी राखी सावंत, कौन है एक्ट्रेस के लवर। फैमिली संग केन 2022 के लिए रवाना हुई ऐश्वर्या राय, आराध्या को देख यूजर्स बोले हेयर स्टाइल चेंज कर दो। नहीं रहे तारक मेहता के आत्माराम भिड़े, उड़ी अफवाह तो एक्टर ने खुद बताया सच। साउथ वर्सेस बॉलीवुड पर बोली शिल्पा शेट्टी, साउथ की फिल्में चलती हैं क्योंकि उनमें कंटेंट अच्छा होता है। केन 2022 से दीपिका पादुकोण का फर्स्ट लुक आउट, शॉर्ट शिमी ड्रेस में लगी गॉर्जियस डीवा। केपी एक्सप्रेस में अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज ताजा खबरों के लिए। धन्यवाद।